इस बैकग्राउंड में, इस पृष्ठभूमि में आपके सम्मुख प्रौद्ध के 16 सूत्रों को रखा जा रहा है। आशा है, विश्वास है कि आप इससे लाभान्वित होकर इस आशा विश्वास से आप प्रौद्ध के 16 सूत्रीय दर्शन पर अमल कर समाज, देश और दुनिया की समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि ये दर्शन का काम है कि समस्याओं का समाधान कर बुराइयों का उन्मूलन करें। प्रौद्ध दर्शन का पहला सूत्र है वर्ण प्रधानता चक्रधारा। इस प्रथम सूत्र में जो पारिभाषिक शब्द हैं, पहला है वर्ण, दूसरा है प्रधानता, तीसरा है चक्र और चौथा है धारायाम। वर्ण का अर्थ है रंग। वर्ण यहां रंग सूचक हैं और ये रंग का मतलब शरीर का रंग नहीं, मन का रंग। इस वर्ण से भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य नहीं है, इसका जात पात से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दार्शनिक ने समाज को दिशा देने के लिए समाज का जो चलने का तौर तरीका है और इस चलने में जो मन की प्रवृत्ति है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने व्याख्या की है। इसलिए वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम का मतलब ये नहीं है कि किसी खास जात का आदमी सोशल साइकिल को डोमिनेट करेगा या करता है। तो वर्ण का मतलब हुआ रंग। तो समाज में, समाज चक्र में चार वर्ण के लोग रहते हैं। पहला, जिनके मन का वर्ण है काला, और काले का मतलब है तो समाज चक्र में जो लोग हैं उसमें कुछ हैं जिनके मन का वर्ण काला है या काला होता है। इसका मतलब क्या है? काले का मतलब है, कहते हैं lack of color is black। तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनमें समझ नहीं है, इसमें सोचने की शक्ति नहीं है, मन की स्थिरता उसकी हो गई नहीं, कोई निर्णय नहीं ले सकता है,
ऐसे लोग जो समाज चक्र में हैं उनको कहते हैं शूद्र। आरंभ काल में, प्रारंभिक काल में जब समाज था, जब कोई व्यवस्था नहीं थी और उसमें समाज में था जिसकी लाठी उसका उसकी भैंस, उस युग को प्राउत ने शूद्र युग कहा। कोई व्यवस्था नहीं, कोई शासन नहीं, कोई समाज नहीं, कोई परिवार नहीं, मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं, पारिवारिक व्यवस्था भी नहीं उस समय। तो क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं, इसलिए कोई दिशा भी नहीं है। तो उसका मनोविज्ञान क्या है शूद्र का? जो कुछ करेगा पेट भरने के लिए, उसका मनोविज्ञान है, उसकी प्रवृत्ति होगी आहार निद्रा भय मैथुन। इसके अलावा सोचने की उसमें शक्ति नहीं। भूख लगी तो खाया। आज भी जो लोग कल की चिंता नहीं करके दिन में मजदूरी किया और शाम को एक पौवा चढ़ा के सो गए, और कल के लिए अगर आटा है तो फिर मजदूरी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। भूख लगेगी तो मन काम करेगा और किसी वस्तु के प्रति उसको आकर्षण भी नहीं है, क्योंकि जानकारी भी नहीं है। अगर के उसके यहाँ वो किसी के यहाँ काम करता है तो कहेगा कि मेरी मालिक की कार इतनी अच्छी है, मेरा मालिक इतना अच्छा है, मेरा मकान मालिक का मकान इतना बड़ा है, उसको देख के खुश हो जाए। उसके मन में ये भाव नहीं आएगा कि हमारा भी ऐसा मकान हो, हमको भी ऐसा भोजन मिले, हम भी ऐसा कर्तव्य करें कि हम भी ऐसा भोजन खा सकें, हम भी ऐसी कार कर सकें। तो शूद्र को के मानसिक तरंग को भौतिक तरंग कंट्रोल करती है। मैटर उसके माइंड को कंट्रोल करता है, उसको शूद्र कहेंगे प्रवृत्ति के मुताबिक। और जिस युग की यही प्रधानता हो उस युग को आदिकाल में प्रवृत्ति दार्शनिक ने शूद्र युग कहा। उसमें मनुष्य पशु में भेद नहीं। भूख लगी तो खाया, नींद लगी तो सोया, डर लगा तो भाग खड़ा हुआ। डर लगा तो लड़ने की शक्ति उसमें नहीं है, क्योंकि सहजात वृत्ति उसकी है भय का सामना करने की, उसके पास शक्ति नहीं, मन में ताकत नहीं। भय लगने से डर जाएगा, और डरा हुआ आदमी भीरू जिंदगी के चैलेंज को ले नहीं सकता। और उसकी चौथी वृत्ति है बच्चे पैदा कर दे। इससे अधिक उसके अंदर सोचने की शक्ति नहीं, इसका शरीर के रंग से कोई मतलब नहीं। चाहे भारत में रहने वाला आदिवासी हो, चाहे पश्चिम में रेड इंडियंस हो, चाहे अफ्रीका के पिग्मीज हो या
ऑस्ट्रेलिया के पिग्मीज हो, मन की यही स्थिति है उसकी। मैटर की तरंग उसके मन को कंट्रोल करती है, मैटर के प्रति प्रशंसा है लेकिन उसको काबू करने की उसके अंदर में इच्छा नहीं। शूद्र युग बहुत समय तक चला होगा, प्रकृति के का उस समय चैलेंज होगा। धीरे 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 उस समय जंगलों में हिंसक पशुओं का आतंक और मैदान में बड़े बड़े रेंगने वाले जीव डायनासोर, ये बहुत काल तक ये युग चला होगा। उसी में से कुछ लोग ऐसा पैदा हुए होंगे उसी ग्रुप में से, अरे शेर हमला करता है तो चलो हम अकेले हैं तब तो हमको मार के खा लेता है, हम 20 आदमी मिल करके उसका सामना करेंगे और उसको पत्थर उठा के मारना शुरू। बंदर या मनुष्य से इतर कोट के जीव अपना डिफेंस हाथ पांव से कर लेता है, लेकिन जब उसमें ये समझ आ गई कि पेड़ की डाल तोड़ करके भी तो हम लड़ सकते हैं आगे आने वाले से, तो उसकी क्षमता बढ़ गई, तो उसका मानसिक परिवर्तन स्वाभाविक है। जब हम भय से बचने के लिए सोचना शुरू कर दें हम कैसे बचेंगे, जब सोचा तो देखा उस युग का आदमी कि जब आग लगती है जंगल में तो जंगली जानवर भागते हैं। सोचा, मन में सोचा, क्योंकि देख रहे हैं चैलेंज सामने है, जंगली जानवर से डर है, तो आग लगती है जंगल में तो जंगली जानवर भागते हैं। तो समझ में आ गया कि अगर आग हो तो मेरे करीब नहीं आएगा, तो देखा आग कैसे बनती है, तो देखा कि दो लकड़ियों के घिसने से आग पैदा हो जाती है। उन लकड़ियों को खोजा होगा, इसी के घर्षण से आग पैदा हो रही, उसको अपने पास लाया होगा, उसको रगड़ा होगा, आग पैदा किया होगा, और यही है आग की पहली डिस्कवरी। आवश्यकता हुई, मन में सोचा, आविष्कार की शुरुआत हुई। इसलिए कहना भूल है कि आज का युग विज्ञान का युग है। प्रौद प्रवक्ता का कहना है कि विज्ञान का युग कब नहीं था, क्या पहला मानव जब पहली आग का आविष्कार किया वो विज्ञान नहीं, वैज्ञानिक खोज नहीं।